सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल डेड पहाड़ी बॉय। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बस एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो चीज ये है कि हम लोग करोलबाग गए थे, करोलबाग वाला आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा। हम लोग हेलमेट लेके आए थे, दो हेलमेट हम लोगों ने बाय किए थे। तो हेलमेट के बाद हम लोगों ने माउंट भी लिए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भैया माउंट जो है, हम बिगनर्स हैं और गोप्रो हमारे पास है या फिर डीजे ओसमो एक्शन जैसे कि मेरे पास है, हम लोग माउंट ले लेते हैं लेकिन हम उसको कैसे एडजस्ट करें। तो बहुत सिंपल तरीका है, मैंने फिलहाल जो है ये एडजस्ट कर लिया और उसमें मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ये माउंट लें, ब्लू कलर का जो आता है इसको। तो ये आप ब्लू कलर का एक बार माउंट देखें, अगर आप माउंट अमेजोन पे डालेंगे तो ये वाला माउंट जो है आ जाएगा, रबड़ का माउंट ये होता है। इसमें हम लोग इजिली जो है कुछ इस तरीके से हम लोग इसकी बेल्ट को टाइट करके हम लोग पूरा इसको एडजस्ट करते हैं। और इस माउंट के बाद जो है हम लोग इस माउंट के बाद जो है ये माउंट इस तरीके का कुछ आता है। तो इसमें हम लोगों को अपना माउंट एक्सेस करना होता है जो हमें डीजीआई के साथ मिला होता है। उसके बाद जब हम इसको एक्सेस करेंगे ना तो ये कुछ एडजस्ट नहीं होता, इतना रहता है बस। तो उसके लिए हम लोगों को एक एक्स्ट्रा माउंट लेना पड़ता है, ये भी अमेजोन में मिल जाएगा आपको, मात्र 200-250 रुपए तक का मिल जाएगा। जे शेप माउंट हम इसको बोलते हैं, कुछ जे शेप का होता है कुछ इस तरीके से। और हम लोग इसको बस इजिली जो है माउंट करेंगे इसमें ये, और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। बस आपको ये बेल्ट बहुत टाइट तरीके से जो है बांधनी है। इसके बाद हम लोगों को ये माउंट कुछ ऐसे इसमें लगा देंगे ताकि ये 90 डिग्री एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब हम लोगों को इस तरीके का कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। अगर हमको सीधा लेना है तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। और ये पूरा आगे का वीडियो जो है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। शाम के बज रहे हैं क्योंकि 6:30 और हम जल्दी से निकलने वाले हैं, तो मैं इसको कुछ कस देता हूँ ऐसे। हाँ, इजिली जो है एडजस्ट हो गया और ये हिलेगा भी नहीं, ना ही आपका जो है एक्शन कैमरा गिरेगा। तो बस चलते हैं, इसको फिलहाल मैं लगा लेता हूँ और बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ किस तरीके का ये वीडियो बनता है, किस तरीके का ये ब्लॉग बनता है। तो ये कुछ इस तरीके से सामने रहेगा और तो ये कुछ इस तरीके से सामने रहेगा। तो चलिए बाहर चलते हैं, सीधा आपको दिखाता हूँ। तो भाई कैमरा आपने देख ही लिया होगा कैसे लगता है। और ये मैं बस अपने घर का जो है गेट बंद कर रहा हूँ और निकलने वाले एक छोटी सी राइड पे। और ये हमारी KTM ड्यूक और दीपक, सेम हेलमेट डिफरेंट कलर्स। चले बेटा, चलो भाई सीधा निकलते हैं नोएडा। और ये चाबी हमने लगाई अपनी फैंटम में और हमारी फैंटम का कुछ लुक ऐसा हो चुका है। और अब फैंटम को चलाने का मजा, और ये फैंटम का कुछ आगे से लुक है लाइट का। तो फैंटम अब रोड पे चलने वाली है। और ये हमारी कॉलोनी। World of make-believe, kids screaming in their cradles, profanities. Some days I... 62 के हाईवेज इतने चौड़े हो गए ना, लेकिन ये ऑटो वाले जो है ना बिल्कुल मतलब हटने का नाम नहीं ले रहे। और यहाँ से शुरू हो गया है मेरा फेवरेट फ्लाइट है, मतलब यहाँ मैं केक कटिंग भी सबके यहीं करता हूँ और अपनी भी केक कटिंग करती। भाई दीपक थोड़ा मिस हो गया था, वो थोड़ा अंडरपास से यू टर्न लेना था, मतलब अंडरपास नहीं जाना था, वो अंडरपास से लग गया था, तो मिल गया फाइनली। और अपने फेवरेट फ्लाईओवर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो लोग नोएडा रहते हैं वो शॉपलिक्स मॉल में जरूर आते होंगे, सामने शॉपलिक्स मॉल है। And hold your breath and feel the tension.
attention. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I want to taste consumption. Be faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. Music till the wick burns out. सो गाइस फाइनली मैं बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूं और अब आई वॉज थिंकिंग कि यार बारिश का मौका है तो चाय पकोड़े तो होने चाहिए यार, और चाय पकोड़े नहीं होंगे तो कैसे मज़ा आएगा। तो हम कुछ प्लान करते हैं कुछ खाने और पीने और बनाने का। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने कुछ जो है अपने और एसेसरीज मंगवाई थी कैमरे से रिलेटेड, चाहे ट्राईपॉड हो गया, रिंग लाइट एक मैंने ऑर्डर की थी, रिंग लाइट एक ऑर्डर की थी, तो बस वो पहुंच गए होंगे। तो अब मैं उसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा देता हूं जल्दी से, मैं बस पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर में। और ये गाइस थोड़ा सा मुझे रॉन्ग वे लेना पड़ता है क्योंकि जो मेरा घर है वो राइट की तरफ है नोएडा में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहां से रॉन्ग वे लेता हूं। और अब मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो मैंने एसेसरीज कुछ ऑर्डर किए हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या क्या है। तो थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ और ब्लॉग की शुरुआत अब करते हैं नई एसेसरीज के साथ। सो गाइज आपने कल रात को मेरी जो है माउंट की वीडियो देख ली होगी, तो मैं जस्ट देख रहा था कि माउंट को कैसे, GoPro के माउंट को हेलमेट में कैसे माउंट करते हैं। मैंने एक छोटा सा उसका जो है एक बिल्ड खरीदा था, आपने शायद देख लिया होगा। और आज मैं आपको बताने वाला था कि मैंने जो है छोटी छोटी एसेसरीज मंगवाई है। बड़ी एसेसरीज वाली वीडियो तो आपने मेरी पहले देख ली होगी, लेकिन एक छोटी छोटी एसेसरीज हमने कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी जो लॉन्ग रूट की ट्रैवलिंग में बहुत काम आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द जो है केदारनाथ और दुबई का सफर तय होने वाला है, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रिप लगने वाला है। एंड सो तो सबसे पहले मैं आपको मिला देता हूँ हमारे एक और फैमिली मेंबर से, नैनसुख से। नैनसुख तो नैनसुख जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, बैठ जाओ। तो नैनसुख जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है लेकिन स्टिल। तो बहुत बहुत एसेसरीज मैंने कुछ ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, जैसे ये रिंग लाइट हो गई, छोटी छोटी ये आपका ट्राईपॉड हो गया, ये मिनी ट्राईपॉड हो गया, ये कुछ लाइट सी जो इस रूम के लिए सेट होने वाली है, छोटी सी यहाँ से यहाँ तक लगने वाली है, कुछ म्यूजिक स्टूडियो का रूम है। और ये मेरा एक और छोटा सा ट्राईपॉड हो गया जो माउंट जो हैंड ट्राईपॉड होता है, मतलब हैंडी करने के लिए। तो ये सब कुछ मैंने ऑर्डर किया, मैं इसकी अनबॉक्सिंग आज करने वाला हूँ। ये बस इसलिए है, बड़े एसेसरीज आपने मेरे सारे देख लिए होंगे रूम पे रखे हुए हैं, लेकिन छोटे एसेसरीज इसलिए है क्योंकि जब हम कोई शॉर्ट ट्रिप करते हैं या फिर जैसे मैंने बताया दुबई की जैसे तैयारी चल रही है, साल के एंड तक दुबई हो जाऊंगा, तो दुबई में ये एसेसरीज मैं अपने हाथ में ले जा सकता हूं, मतलब अपने बैग में ले जा सकता हूं। ये सब छोटे छोटे एसेसरीज है, काम वही करती है जो एक रूम वाली एसेसरीज का, मतलब जो बड़े एसेसरीज एक काम करते हैं, लेकिन ये छोटे एसेसरीज है जिन्हें मैं बाहर इजिली ट्रैवल मतलब इजिली कैरी कर सकता हूं। तो इसकी जल्दी से चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाता हूं क्या क्या इसमें अवेलेबल होने वाला है। तो इसे जो हम थोड़ा सा नीचे छोड़ देते हैं। नैनसुख जाओ बाय। सो गाइस आपने ये सारी एसेसरीज जो है मेरी पहले से देख ली होगी और बड़े रूम में देख ली होगी, लेकिन अब इन्हीं सब एसेसरीज का जो है छोटे छोटे पार्ट्स हैं। लाइक जैसे रिंग लाइट आपने डिजिटेक की देखी होगी जो 20 इंचेस की थी, लेकिन ये वाली रिंग लाइट जो है ये 12 इंच की है, तो ये छोटे छोटे उसमें काम आ जाएगी। 3 in 1 रिंग लाइट है और साथ में इसके छोटे छोटे माउंट्स। और ये है रिंग लाइट का स्टैंड, तो ये जो है मैंने कुछ 1200 रुपए की रिंग लाइट है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इन सबके जो है लिंक दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आप ये परचेस कर सकते हैं, और बहुत ही रीजनेबल है, सिर्फ 3,000 या 4,000 रुपए में सब कुछ आ चुका है। और ये ट्राईपॉड है जो कि 7 फुट का ट्राईपॉड है, जो 7 फुट का हो जाता है पूरा होने के बाद। तो ये ट्राईपॉड कुछ मुझे 700 रुपए का पड़ा। इसके बाद ये रिंग, ये कुछ लाइट्स हैं जो मैं यहाँ क्लिप करने वाला हूँ अपने फेवरेट सिंगर्स और ट्रैवलरों के साथ। इसके बाद एक ये छोटी सी ये लाइट है जो मैं इसको बैकग्राउंड लाइट जिसे बोलते हैं, जो यहाँ पूरा लगाने वाला हूँ। और साथ में एक्सटेंशन की जो मुझे ज़रूरत थी, और उसके साथ एक गोरिल्ला ट्राईपॉड जो बहुत फेवरेट है मेरा, ये मुझे लेना था गोरिल्ला ट्राईपॉड क्योंकि ये ट्रैवलिंग के समय जो हम शूट करते हैं व्लॉग बनाते हैं उसके बहुत काम आता है। तो बस ये छोटा सा सामान हुआ है, 4,000 रुपये का है। सारे सबके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो बहुत छोटा सा सामान है,
वही मैंने बताया कि जो हमने बड़ी बड़ी एसेसरीज जब मैंने ये व्लॉग बनाया था, जो बड़ी एसेसरीज वाला व्लॉग बनाया था, उसके सारे छोटी एसेसरीज अगर मैं बोलूँ तो ये सब है जो मतलब हम लोग ट्रैवलिंग, जैसे मैंने बताया कि अभी दुबई इंटरनेशनल ट्रिप एक लगने वाला है इस साल के एंड तक मेरा, तो उनमें ये सब ट्रैवलिंग में मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इन एसेसरीज को थोड़ा सा माउंट करते हैं और थोड़ा सा यहाँ डेकोरेशन का काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि पियानो है, गिटार है और सब लाइट्स हैं, किस तरीके से माहौल सेट होता है दिखाते हैं। तो गाइस दिस इज आर रूम और कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से चमक गया है। रिंग लाइट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये है रिंग लाइट छोटी सी, इसे इस रिंग लाइट को जो है आप ट्रैवलिंग के दौरान जो है अपने साथ ले जा सकते हैं, बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सिर्फ 2 या 1 फुट की रिंग लाइट हो जाती है जब इसको हम पूरा स्ट्रेच करते हैं, और ये रिंग लाइट इसे ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं, ट्राईपॉड इसे आप ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। तो बस ये था छोटा सा सेटअप जो आपको दिखाना था कि मतलब 3000 के अंदर आप ट्रैवलिंग का छोटा मोटा सामान ले सकते हो। बड़े सेटअप आप सबने मेरे देख ही लिए होंगे, छोटे छोटे सेटअप थे जो जिसके जरिए मैं आपको बताने वाला था कि इन सेटअप को खरीदने के बाद भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और मतलब ट्रैवलिंग के दौरान अपने साथ ले जा सकते हो और बहुत ईजिली वहाँ अच्छे से व्लॉग बना सकते हो। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही था, और अभी तक जिसको मैंने बताया था कि जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, ये सामने भी इंस्टा आईडी है डेट पहाड़ी बॉय और दिस इज हिमांशु लेवल्स ऑफिशियल, तो आप इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए। और यार पता क्या होता है, मैं यूट्यूब पे जब भी वीडियो डालता हूँ ना, तो जैसे मैंने 12 बजे आज वीडियो डाली तो सबको नोटिफिकेशन नहीं आता, क्यों? क्योंकि जो है आप सब्सक्राइब कर देते हो लेकिन बेल आइकन को हिट नहीं करते। जब आप बेल आइकन हिट करेंगे ना, तो कुछ भी मैं अपडेट डालूंगा, कुछ वीडियो डालूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ रिव्यूज दूंगा, वो सब आपके पास ऑन द स्पॉट पहुंचेंगे, नोटिफिकेशन में दिखेंगे। सो गाइज इफ यू लव दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब डेट पहाड़ी बॉय।